देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर उन्हें विधानसभा परिसर में आज पुष्प प्रज्वलित कर नमन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शरण दास महंत ने उनके द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया। डॉक्टर महंत ने इस दौरान आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2 दिसंबर तक 700 से अधिक प्रश्न विधायकों ने लगाए हैं, अभी प्रश्न और भी आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार पहले से बेहतर कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ सदन का संचालन किया जाएगा। सभी विधायकों और अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इच्छुक विधायक विधानसभा परिसर में अपनी कोरोना जाँच करवा सकेंगे। आज जयंती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। हम लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ उनको नमन किया है। संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जो संविधान की रचना की, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में जो उन्होंने एक नायक की भूमिका अदा की, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो भारत के संविधान को पूरी तरीके से संरक्षित किया, संवर्धित किया और जो उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है, उसको हम सब लोग नमन करने आए हैं। हम सब उनके कार्यों को, उनके दिशा निर्देशों को अजन पालन करते रहें, ये उनकी इच्छा है और हम पूरी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। विधानसभा का सत्र भी हमें लगा है, क्या तैयारियां हैं, कितने प्रश्न लगे हैं, कुछ बताएंगे किसके बढ़ते? इसमें तो रोजी बढ़ रहे हैं, अब तक 700 से भी अधिक प्रश्न आ चुके हैं और पूरी तैयारी है। कोरोना के बावजूद भी पिछले सत्रों को जिस ढंग से हम लोगों ने चलाने की कोशिश की है, इस बार भी उससे बेहतर व्यवस्था करेंगे और सत्र को चलाएंगे। क्या इस बार भी टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा विधायकों के लिए सत्र में पहले कोरोना के? सामान्य रूप से जो टेस्ट है और जो डिस्टेंस मेंटेन करनी है, जिनको मास्क लगाना है, इनको तो पूरा ध्यान नहीं, कोरोना कोविड टेस्ट की बात की जाए, कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे। एंटीजन के माध्यम से भी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, तो क्या इस तरह की टेस्ट किया जाएगा? विधायक अगर चाहेंगे तो उसका भी व्यवस्था करेंगे। बता दें कि शीतकालीन सत्र के लिए 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 7 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। धान खरीदी के बीच ही विधानसभा की शीतकालीन सत्र में किसान आत्महत्या समेत कई मुद्दे सदन में गूंज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज़।